वीडियो बंद मत कीजिएगा, क्योंकि बड़े महीनों के बाद एक बार फिर से राष्ट्रीय भारतीय अखंड पार्टी द्वारा आज जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया गया है। वैसे किस संबंध में ज्ञापन देने के लिए उनके पदाधिकारियों को आना पड़ा, आइए उन्हीं के पदाधिकारियों से जान लेते हैं, फिर आपको राष्ट्रीय अखंड पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी बात कराते हैं। क्या सब नाम लिखते हैं? राम तीर्थ यादव। किस वजह से यहाँ बाराबंकी के जिलाधिकारी कार्यालय पर ज्ञापन देने आए थे? आज हमने राष्ट्रीय भारतीय अखंड पार्टी के माध्यम से उत्तर प्रदेश शासन को माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देने के लिए जिलाधिकारी बाराबंकी महोदय से आए थे, और उस ज्ञापन में हमने उत्तर प्रदेश में बलात्कार के अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। हमारी अपील है उत्तर प्रदेश सरकार से, शासन प्रशासन की, ऐसा कड़ा कानून बनाए जिससे कि इस तरह के अपराधों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और इस अपराधों पर पुनरावृत्ति दोबारा न होने पाए। तो राष्ट्रीय भारतीय अखंड पार्टी के पदाधिकारियों ने क्या कहा, ये तो आपने सुनी लिया कि बढ़ते बलात्कार के संबंध में आज जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया गया। इसी के साथ साथ हमने अरुण गुप्ता आजाद से बातचीत की, उन्होंने हमसे बातचीत कर मामले की पूरी जानकारी विस्तार पूर्वक कही है। सुनिए जरा, और जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि उन्होंने कई मुद्दों को लेकर के बातचीत की। राष्ट्रीय भारतीय अखंड पार्टी आज उत्तर प्रदेश में बढ़ते अपराध को लेकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय को एक ज्ञापन दिया है, जिसके माध्यम से राष्ट्रीय भारतीय अखंड पार्टी सरकार से मांग कर रही है कि उत्तर प्रदेश में बढ़ते हुए बलात्कार को रोकने के लिए ऐसा कड़ा कानून बनाया जाए जिसमें बलात्कारियों को तत्काल फांसी देने का प्रावधान शामिल हो। इससे बलात्कार करने से पहले एक बार ऐसे दरिंदे सोचेंगे। इसलिए राष्ट्रीय भारतीय अखंड पार्टी माननीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन भेजा है। क्या लगता है आपकी बातें सुनेगी प्रशासन? प्रशासन अगर हम लोगों की बात नहीं सुनती है तो जल्द ही हम लोग सड़कों पर उतरकर विधानसभा संघर्ष करने का काम करेंगे। अच्छा, इतने महीनों बाद ही क्यों उठे, अब तक काहे आवाज़ नहीं उठाई? मतलब इस समय 6 महीने से तो लॉकडाउन चल रहा है, और हम लोग निरंतर सोशल मीडिया के माध्यम से जन समस्याओं को बराबर उजागर करते आ रहे हैं, और सरकार से मांग करते आ रहे हैं कि जो प्रमुख मांगे हैं कि बगैर स्कूल के फीस न ली जाए, बिजली लोगों की जो है काम नहीं है उस हिसाब से उनको छूट दिया जाए, निरंतर हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार को आगाह करते आ रहे हैं, जिनमें हम लोगों की मांगों को माना भी गया है। अच्छा, हाथरस को लेकर के जिस तरह से विवाद चल रहा है, इस पर क्या कहेंगे? इस पर पीड़िता के साथ जघन्य अपराध हुआ है, इस पर जो दोषी हैं उनको तत्काल फांसी दी जाए, राष्ट्रीय भारतीय अखंड पार्टी यही मांग कर रही है। अच्छा, निजीकरण को लेकर के बिजली विभाग द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है लगातार? निजीकरण देश हित में नहीं है, और निजीकरण का राष्ट्रीय भारतीय अखंड पार्टी कड़ा विरोध करती है। इसके अच्छा। लिए जल्द से जल्द हम लोग माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिलेंगे और जन संघर्ष करके बताएंगे कि निजीकरण जनता के लिए फायदेमंद नहीं है। फिलहाल शिवम सिंह के साथ आलोक कुमार वर्मा की रिपोर्ट।